आपकी होली कैसी रही? हाय गाइस, कैसे हो आप लोग और आपकी होली कैसी रही? आज आप मुझे देख सकते हैं कि मैंने इंडियन वेयर अपना ट्रेडिशनल लुक जो है वह बनाया, क्योंकि हम आज जा रहे हैं होली के इवेंट में। यहाँ पे एक होली इवेंट होने वाला है, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे पास ही में एक मंदिर है, तो फिर वहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज करा है एक होली इवेंट। वहाँ पे पूजा होगी, प्रसाद होगा, और उसके बाद देखते हैं कि कलर वो लोग खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी वहाँ पे मतलब गए थे हम लोग, और वहाँ पे थोड़ा कलर हमने बहुत ज़्यादा खेला था, तो इस बार वो होता है कि नहीं पता नहीं, पर हाँ मतलब इवेंट हो रहा है, पूजा हो रही है, प्रसाद मिल रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हम ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन ही क्या कर सकते, इतना ही बहुत है जर्मनी में। तो बस मैंने सोचा कि यहाँ पे होली इवेंट कैसे होता है मैं वो आपको दिखाऊँ, कि मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि तुम जर्मनी में हो फिर तुमने होली नहीं खेली, मतलब होली का कुछ होता नहीं है क्या वहाँ पे, ये वो सब। तो मैंने फिर सोचा कि हाँ ये वीडियो बनाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि यहाँ पे होली इवेंट कैसे होता है। एक्चुअली होली हो गई है, वो तो चली गई, बट यहाँ पे क्योंकि सबका जॉब होता है और फिर अगर वो उस दिन करते तो सब मिल नहीं पाते, इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि वीकेंड को करते हैं। तो आज सैटरडे है और आज होने वाला है होली इवेंट, तो चलो फिर आप मेरे साथ देखने के लिए कि जर्मनी में होली कैसे होती है। और हम घर से अभी निकल चुके हैं और हमारे फ्रेंड आ रहे हैं, उनके साथ हम कार में जाने वाले हैं। तो यस, ये अक्षय भी रेडी हो गया है। यहाँ पे धूप आज निकली है, वेदर अच्छा है, पर ऐसा नहीं है कि ठंडी नहीं है। धूप होने के बाद भी यहाँ पे 1 डिग्री अभी टेम्परेचर है, तो इसलिए हमने जैकेट्स भी साथ में कैरी करे हैं। फाइनली हम मंदिर में आ गए हैं, ये यहाँ का मंदिर है सर, और हम अभी यहाँ से एंट्री लेंगे, यहाँ से जाएंगे। मंदिर में जैकेट्स रखने के लिए भी बहुत अच्छा सा इंतज़ाम करके रखा था, और शायद हम लेट है, लोग आ चुके हैं पहले से ही। हम आए ना तब होली की जो कथा है ना वो चालू हो गई थी, और उसके बाद आरती थी। हो गई थी और फिर हमने आरती ली, और मुझे मेरा प्रसाद अभी मिल गया है। पूजा एंड आरती हो गई थी और उसके बाद हम नीचे आए होली खेलने के लिए, और यहाँ पे ना ये सब लोग वही प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि ठंडी थी और वेदर अच्छा था उस दिन, थोड़ा सनी वेदर था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ठंडी नहीं थी, ठंडी भी थी। तो यस, ये सब प्रिपरेशन वही चल रहा था, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। और फिर बाजू में ही एक टेबल पड़ा था, वहाँ पे गुलाब जामुन और कोक रखे हुए थे। इसे आप देख सकते हैं, गुलाब जामुन एंड कोक। कोक तो नहीं, बट हाँ गुलाब जामुन को देख के बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था अभी खाना ही है बस। ये यहाँ पे होली के कलर आ गए थे, सब अरेंज था यहाँ पे, से साउंड सिस्टम का भी अरेंजमेंट हो गया था, और ये मंदिर बाहर से ऐसे दिखता है। पर ना बहुत सारे छोटे बच्चे आए थे
और मैंने ना सबसे ज़्यादा होली छोटे बच्चों के साथ ही खेली थी, क्योंकि उसके साथ खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और वो लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, आप देख ही सकते हो। और फिर सबने वहाँ ना होली खेलना चालू कर दिया था और अपना अपना मतलब डांस करना भी चालू कर दिया था, और सब लोग वहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे थे, बात कर रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद सब मिल रहे थे। और हमने भी वहाँ पे बहुत डांस किया था क्योंकि हिंदी गाने बज रहे थे और वो भी होली के। और यहाँ पे ना सब बच्चे कलर ढूंढ रहे थे क्योंकि कलर्स ख़त्म हो गए थे, पर बच्चों की होली नहीं ख़त्म हो रही थी, और बच्चों ने भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। और अभी हम आए खाने के लिए और मैं आपको खाने की लाइन दिखाती हूँ। और फाइनली मेरा नंबर लग चुका था और यहाँ पे ना गरम गरम दो तीन टाइप के पकोड़े रखे हुए थे और उसके बाद चाय भी थी जो गरम गरम, क्योंकि वेदर ठंडा था तो इसलिए चाय तो बनती ही है। और जैसे ही पकोड़े ख़त्म हो रहे थे ना तो वो लोग गरम गरम पकोड़े ला के रख रहे थे और वहाँ पे गुलाब जामुन भी थे, और मैं अपना पकौड़ा और चाय इंजॉय करते हुए, बहुत मस्त था। गाइस, हमारी होली अभी खत्म हो गई है, हम अभी घर जा रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।